नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बनाने वाले हैं पनीर की झटपट सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आइए देखते हैं पनीर की ये सब्जी बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, ये हम डालेंगे 1.5 चम्मच। अब हमने इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, और टमाटर का पेस्ट डालते ही हमें इसके अंदर नमक डाल देना है। नमक क्या करता है, जो टमाटर का पेस्ट होता है उसको बहुत जल्दी पका देता है। और अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। हमारे टमाटर पक चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट लहसुन का पेस्ट लाल मिर्ची और जितनी आपने लाल मिर्ची डाली उतना ही धनिया पाउडर 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इसे थोड़ी सी देर पका लेना है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, थोड़ी देर इसे पकने देंगे। और अगर आप पनीर में थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। ये पानी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था तो जार में थोड़ा जो टमाटर रह गया था वो पानी है। ये आप अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे काले मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। तो दोस्तों, हमारी जो पनीर की सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में ये सब्जी बनी है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।